कृष्णा 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 गौरी कृष्णा मैं मेरी पिछा... कुछ कहने की जरूरत नहीं गौरी, मैं सब सुन चुका हूँ। क्या सुन चुके हो तुम? यही कि कल तुम्हारी शादी गिरिवर माथुर से कर दी जाएगी। गिरिवर यह खबर मुझे खुद देने आया था और मुबारकबाद की भीख मांग रहा था। अगर यहाँ पड़े पड़े तुम्हें खबरें ही सुननी है तो एक और खबर सुन लो, जिसकी खबर गिरिवर को भी नहीं। कल जब वो मेरी डोली लेने आएगा तो डोली नहीं, मेरी लाश ले जाएगा। गौरी, गौरी, गौरी। कन्या को बुलवाइए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बारात आ गई है, जल्दी से तैयार हो जा। तेरी डोली नहीं जाएगी तो तेरे पिता की अर्थी निकल जाएगी। पवन, चल मेरे दोस्त। मैंने गिरिवर को मंडप में बैठे हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मौत मेरा इंतजार कर रही है, और जब मैंने तुम्हें घोड़े पे आते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी मेरे नजदीक आ रही है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। वहां से चलो। चल पवन। Thank you.
तरफ फैल जाओ, ढूंढ निकालो उसे। हाँ। गौरी, मैं जब तक लौटू नहीं तुम यहीं छुपी रहना। क्यों नहीं, जिसे वो उठाकर ले गया है वो सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं गिरिवर माथुर की दुल्हन भी तो है। माँ के दूध की कसम, उसे पकड़कर जरूर लाऊंगा, चाहे मेरी जिंदगी का आखिरी कदम क्यों ना हो। कृष्णा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे अपने साथ ले आए हो। हाँ, ले तो आया हूँ, पर विश्वास से कह नहीं सकता अच्छा किया या बुरा। क्यों? हमारे देश में जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है तो भगवान उस घर की इज्जत उस बच्ची की झोली में डाल देता है, और तुम्हारे बाबूजी। तो अगर मैं उस आवारा के पल्ले बन जाती तो बाबूजी की इज्जत बढ़ जाती क्या? शायद नहीं, पर गौरी, शादी शादी होती है। अब दुनिया वाले यही कहेंगे कि बाबूजी की बेटी किसी के साथ भाग गई। बाबूजी को दुनिया की परवाह हुआ करे, तुम्हें हुआ करे, मुझे नहीं है। जानते हो मेरी दुनिया कितनी बड़ी है? बताओ। बताओ। इतनी बड़ी, तुम मेरे पास हो, मेरी दुनिया मेरे पास है। कृष्णा, पगली कहीं की, देख इस दुनिया के लिए ना सही, अपने लिए ही सही, अपने होने वाले बच्चों के लिए सही, पर शादी तो करनी होगी ना। तो देर क्या है, मैं शादी का जोड़ा पहने हुई हूँ और तुम हर हाल में बहुत अच्छे लगते हो। अरे मगर पंडित तो चाहिए, मंत्र कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी, मुझे आता है मंत्र। और नहीं तो क्या, सुनो, अहम त्वम, अहम त्वम, त्वम अहम एक वस्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुडं ध्वजा, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अरे भगवान, सुनती हो? अरे अपना कृष्णा आया है, कृष्णा। ये देखो अपना कृष्णा। कृष्णा, पायला चाचा, जीता रहे बेटा, जीता रहे। कृष्णा माझी, सदा सुखी रहो बेटा, आज तुम्हें भगवान से कुछ और भी मांगती तो। ये गौरी है माझी, आपकी बहू, पैर छुओ। जीती रहो बहू, जीती रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो खलो बेटी, बहू हमारी बहू, आओ आओ। बैठ जा, बैठ जा। ए राम,
बहू तो बहुत सुंदर है। अच्छा ये तो बताओ बेटा, शादी कब हुई, कहाँ हुई? बहुत लंबी कहानी है माँ जी, बस अकेले मंदिर में कर ली। अरे पगले, यहाँ आकर घर पे करता तो मैं 100-100 शगुन मनाती, सारे रीति रिवाज पूरे करती। अरे भगवान, अब भी क्या बिगड़ा है, बहू घर में आ गई है, सब शगुन कर ले, पूरे रीति रिवाज कर ले, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर, तब तक हम बाप बेटा दोनों अपनी अपनी राम कहानी सुनते सुनाते हैं। आजा बेटा आजा। मेरी प्यारी बहू, ये सब क्या हो गया बेटा? पुलिस का इतना बड़ा अफसर अब चोर डाकुओं की तरह भागता फिर रहा है। भगवान ने एक बेटा दिया था वो भी। चाचा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। शादी तो हमसे छुप कर कर ली ना, ये खुशी तो हमसे छीन ली। पर बहू को तो घर पे ही लाया हूं ना। और अब तो तू भी यहीं रहेगा ना हमारे पास है? नहीं चाचा, पुलिस के आदमी पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे, यहाँ रहा तो आप ही तकलीफ में आ जाएंगे। अरे बेटा तू हमारी फिक्र मत कर, और तूने कुछ जुर्म थोड़ी किया है। वो तो आप समझते हैं ना चाचा, उन लोगों ने तो गौरी के बदन पर पड़े जेवर चुराने का FIR भी दर्ज करा दिया होगा। ये जेवर तो हर हाल में मैं उन्हें वापस करके आऊंगा। पर कैसे बेटा? कोई ना कोई रास्ता तो निकालूंगा। क्या है ये? शबनम। शबनम शबनम है तो जाकर फूलों पर गिरे, कांटों पर क्यों? ये दुल्हन के बालों से गिरी हुई शबनम है, कांटों पर भी गिरती है तो फूल खिलते हैं। अच्छा सरा देखूं तो सही, ये फूल खिलते कैसे हैं? अभी नहीं। अरे पहले उठ के नहा लो, मैंने तो मुंह अंधेरे नहा लिया था। कहाँ? चलो। वो देखो सुंदर जगह है ना। सुंदर है।